अमर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र संघ भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने अमर शहीद रविंद्र सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वर्गीय रविंद्र सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है, जो कि लखनऊ व गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने अपने समय में छात्रों के हित में अनेकों लड़ाई लड़ी थी। जल्द इस बिल्डिंग को ठीक करवाया जाएगा और भवन में एक म्यूजियम बनवाया जाएगा। इस अवसर पर एमएलसी सीपी चंद, भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, छात्र नेता शुभम मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, सर थोड़ा साइड हो जाइए। रविंदर सिंह अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रविंदर सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रविंदर सिंह अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, आज छात्र संघ भवन पर हमारे नेता नौजवानों के दिलों के धड़कन और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के किसान मजदूरों के नेता रविंद्र सिंह जी एकमात्र नेता थे जिनके मरने पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा था, इट इज माई पर्सनल लॉस। रविंद्र सिंह जी नौजवानों की आवाज थे, पूरे देश में चाहे जेपी का मूवमेंट रहा हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा आंदोलन रहा हो, चाहे महंगाई के खिलाफ रहा हो, और जब चौधरी चरण सिंह ने छात्र संघ को बैन कर दिया था उस लड़ाई को भी रविंद्र सिंह जी ने लड़ा था और हम लोग उनके सहयोगी रहे हैं। आज उनका उनकी पुण्यतिथि है, हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर के अत्याचार अनाचार के खिलाफ संघर्ष करें। आज इस तिथि में छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुझे खुशी है कि मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। जरूरत है इस बिल्डिंग को ठीक कराने का, हम लोग इस पे कार्य करेंगे। मेरे मन में आया है, मैं छात्र संघ के पुराने जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठूंगा और एक इसमें एक म्यूजियम बनाने पे हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाए और कैसे छात्र संघ की एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए, इस पे विश्वविद्यालय कार्य करेगा।